आगा जी, अगर आप थोड़ी सी मोहलत दे देते तो मैं ये घर खरीद लेता अपने हिस्से के पैसों से। ये फैसला मकान के मालिकन का है। अब्बा जी की एक ही निशानी था ये घर, आप आगा जी कुछ तो ख्याल कर लेते। जी अब्बा, मरहूम की बाकी निशानियों को तो बहुत सीने से लगा के रखा हुआ है आपने। जब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है तो इस ईंट और गारे के मकान में क्या करोगे? घर तो मैं खाली कर ही रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले अरसल और जिया से इन पेपर्स पे साइन करवा दीजिए बीजान। क्या है ये? जिया के खुला के कागज हैं ये। नजाकत, अपनी औलाद से पूछा है तुमने? जी, घर सेल करने से पहले आपने अपनी औलाद से पूछा था क्या? सुना है शाहजहां, तुमने जब तक मरहूम बाप के पैसों पर ऐश करते रहे इनकी जुबान बंद, अब देखो कैसे कफन फाड़ के आ गए माँ के सामने बोलने के लिए। तो मैंने कौन से अकेले याशी की है? अपने इस लाडले साहबजादे से पूछिए ना, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल था। पता नहीं अंदर खाते क्या कुछ बना के मुझे क्या पता बीजान। ये घटिया किस्म के इल्जाम मत लगाओ मुझ पे नजाकत, एक एक चीज का हिसाब लिख रखा है मैंने। हाँ तो दिखाओ इसे ताकि आंखें खुले इसकी। बीजान आप ज्यादती कर रही है, माफ तो नहीं करूंगा मैं। पता चले किया क्या है मैंने? सोतेले बच्चों जैसा सलूक किया आपने मेरे साथ, सब कुछ अपने और अपने इस लाडले बेटे के नाम कर लिया, मुझे क्या दिया? जबान से बाहर की बात करो नजाकत, अपनी माँ के एहसानों का बदला तुम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। कुछ नहीं किया आगा जाने उन्होंने, कुछ नहीं किया मेरे लिए। जो कुछ किया अपने इस लाडले बेटे के लिए किया, मुझे क्या मिला? बकवास नहीं करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं इधर ही। कोई लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा अगर तुमने अपनी माँ के साथ बदतमीजी की। आगा जी जरा तहमुल से, इसका तो दिमाग खराब हो गया, पागल कुत्ते ने काट लिया इसे। पागल कुत्ते ने काट लिया तो जाके इंजेक्शन लगवाओ ना इसको, अपनी माँ के साथ क्यों बदतमीजी कर रहा है ये। नजाकत तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। जा तो मैं रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जाने से पहले सबके सामने अरसल और जिया से ना तलाक के पेपर्स पर साइन करवाऊंगा, और अगर किसी ने इनकार किया तो गोली मार दूंगा खुद को।